इसमें दोनों में फर्क क्या है? जैसे यहाँ पर हम इनपुट लगा रहे हैं, ठीक है, सेम यहाँ पर भी, इन बोनस में भी, ठीक है, और ये लॉक क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है और ये हमने फॉर पल्स प्रोवाइड किया, और ये क्यू इसका क्यू ए मान लो, ये क्यू बी और ये क्यू सी, फ्लिप फ्लॉप ए बी एंड सी, ठीक है। सो वी हैव दिस थ्री फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। अब यहाँ पर भी सेम ए बी सी और ये भी हमने ब्लॉक, ठीक है। सो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, ये जो क्लॉक दे रहे हैं हम, ये तीनों को सेम क्लॉक इनपुट देते हैं, ठीक है। जो यहां पर दे रहे हो साइमल्टेनियसली आप एक साथ ये क्लॉक पल्स देते हो, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सिंक्रोनस काउंटर, एक साथ ये काम करते हैं, एक साथ इनको क्लॉक पल्स मिलता है, ठीक है। अब यहां पर इस वाले में एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक कैसे दे रहे, ये क्लॉक दिया, अब ये क्लॉक बी और सी को नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो क्यू ए का आउटपुट है वो हम बी को देते हैं एज क्लॉक इनपुट, ठीक है, और क्यू बी को देते हैं हम, जो क्यू बी का आउटपुट है, इसका जो फ्लिप फ्लॉप बी का जो आउटपुट है वो हम देते हैं किसको, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्लॉक पल्स दिया जाता है, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली, इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों काउंटर्स में, ठीक है। एसिंक्रोनस नाम समझ में आ रहा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल क्लॉक, इट इज एक्सटर्नल क्लॉक, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा फ्लिप फ्लॉप ए का, इट विल बी इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप बी, जो फ्लिप फ्लॉप बी का जो आउटपुट आएगा इट विल बी क्लॉक इनपुट फॉर फ्लिप फ्लॉप सी। इस तरीके से यहां पर हम क्लॉक देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली, लेकिन इन द केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये है डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है, दो टाइप के काउंटर्स होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि सो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहां पर ऐसा है कि हम यहां पर इसके आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, बी है, ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड, ओके। सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, देयर इज नो कनेक्शन
बिटवीन बिटवीन दी फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप ए एंड बी, ठीक है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है इनके आउटपुट से, बस ये एक ही क्लॉक से जुड़े हुए हैं, बस यहां पर ये एक कनेक्शन इनके बीच में, ठीक है। सो अब बताइए इन दोनों काउंटर्स में स्पीड किसका ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन एसिंक्रोनस का होगा कि सिंक्रोनस का स्पीड ज्यादा होगा? सिंक्रोनस का, व्हाई? सर क्योंकि इसके आउटपुट टाइम पे तीनों में जा रहा है, हो जाएगा काम। हाँ, देखो इसमें क्या है, ये जो आउटपुट है ये सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये है QA, ये QB और ये QC है, ठीक है। और सारे को जो क्लॉक दे रहे हैं हम साइमल्टेनियसली दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो QA है, तो इसका आउटपुट है इज इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप और एज ए क्लॉक। सो इस ये इसको वेट करना पड़ेगा क्यूए आने तक के लिए, जब तक क्यूए आएगा तभी ये आगे बढ़ेगा, फिर जब ये फंक्शन करेगा क्यूबी आएगा तब तक फ्लिप फ्लॉप सी को वेट करना पड़ेगा क्यूबी के आउटपुट के लिए, ओके। सो दैट्स व्हाई स्पीड इज स्लो। सेकेंड पॉइंट, स्पीड इज स्लो एज द क्लॉक इनपुट ऑफ सब्सिक्वेंट फ्लिप फ्लॉप डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। वो प्रीवियस स्टेज के जो फ्लिप फ्लॉप है एंड इट हैज टू गो थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। जितने स्टेज होंगे उतना यहाँ पर वो डिले होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड इज फास्ट, क्योंकि जो क्यूबी का क्लॉक है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जब क्लॉक दे रहे हैं हम सबको एक साथ दे रहे हैं तो ये एक साथ ऑपरेट करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो क्यूए दे रहे हैं वो फ्लिप फ्लॉप बी के लिए क्या हो रहा है, इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो और ये यहाँ पर जो सर्किट है ये सिंपल होता है, सर्किट इज सिंपल, और फोर्थ है फ्लिप फ्लॉप आर नॉट, फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहां पर थर्ड पॉइंट है, सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्लिप फ्लॉप आर ग्राउंड, ठीक है। सो ये आता एग्जाम में कि काउंटर के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और ये एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी कहते हैं, रिपल, ठीक है। क्योंकि रिपल का क्या मतलब होता है कि ये वेव ऐसे तरीके से खुलते हैं, वो जैसे आप किसी तालाब में स्टोन फेंकोगे तो देखोगे वहां पर पानी का वेव इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम रिपल। और यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपने यहां पर क्लॉक पल्स दिया, इसका आउटपुट मिला, ये गया इसके लिए, ठीक है। तो ये क्लॉक पल्स इस आउटपुट के लिए यहां पर जिम्मेदार है, फिर ये यहां पर इसको इनपुट देगा, ठीक है, और फिर क्यूबी मिलेगा और ये यहाँ इसके लिए क्लॉक का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है जो क्लॉक है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और भी है मैं आपको बताता रहूंगा।
ठीक है. सो दीज आर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस. ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे एसिंक्रोनस काउंटर, ये कैसे काउंट करते हैं. सर हाँ जी सर, काउंटर का मीनिंग एक बार और बताइए ना एग्जैक्ट, मतलब काउंटर क्या है सर. हाँ जी, वो जो फोर्थ पॉइंट था फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप आर नॉट क्लॉक सिमुलेटेड, उसका मतलब क्या था. क्लॉक साइमल्टेनियसली, ठीक है, अच्छा, मतलब एक साथ वो वहां पर हम उनको क्लॉक नहीं करते हैं. ठीक है, ओके सर. हाँ, उसको बोलते हैं. काउंटर इज यूज यूज टू काउंट नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है, ये मीनिंग होता है काउंटर का. क्लॉक पल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, हाँ जी सर, ये काउंटर वाला टॉपिक जो जैसे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस से पहले काउंटर वाला आप पहले पढ़ा चुके हैं क्या. नहीं, आज पहले को चालू कर रहा हूँ, अभी तो फ्लिप फ्लॉप चल रहा था. यस सर, इसीलिए मुझे वो डाउट हुआ कि काउंटर मतलब हुआ है कि नहीं, मुझे डाउट हुआ. मतलब कितने क्लॉक पल्स वहां पर आ रहे हैं, ठीक है, उसको ये काउंट करता है, उसका टाइम फ्रेम, इसके नंबर ऑफ जो क्लॉक पल्स हैं वो मेजर करता है. ठीक है, अभी देखते हैं इसको, तो और समझ में आएगा हेल्प के लिए. ठीक है सर, ठीक है. तो ये नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज अकर्ड, ठीक है, इसको कहते हैं काउंटर. यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप रखते हैं और इसमें हम ये हमेशा इसको टॉगल कंडीशन में यूज करते हैं. टॉगल कंडीशन के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे. जेके फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप, और कोई फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम दो फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, एक जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि दोनों टॉगल कंडीशन पे काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक ए फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूँ मैं और यहाँ पर बी फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूँ. ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू ए और ये हो जाएगा क्यू ए का बस. ये जे बी और ये हो जाएगा के बी, ये हो जाएगा क्यू बी और ये हो जाएगा क्यू बी का बार. ठीक है,
और ये कौन सा यहां पर हम टिगरिंग दे रहे हैं हम ये सिंबल क्या बताता है किस टाइप की डिग्री हो रही है यहाँ पर मैंने बताया था क्लास में देखो तो फ्लिप फ्लॉप दिया है और ऐसा बना हुआ है ये सिंबल बना हुआ है इसका ये मतलब है हम पॉजिटिव एज टिगरिंग दे रहे हैं ठीक है जैसे ये क्लॉक पल्स है ये हमेशा पॉजिटिव एज में टिगर होगा ठीक है ये जीरो है और ये वन है ये जीरो है और ये वन ठीक है और अगर ऐसा बना हुआ है यहाँ पे बबल बना दिया मैंने ठीक है ये कहलाता है नेगेटिव एज डिग्री दिस इज नोन एज नेगेटिव एच डिग्री ठीक ये कब फिगर होगा जब नेगेटिव एच आएगा ये वन से जीरो और वन से जीरो ठीक है तो अगर कभी भी आप इस तरीके का यहाँ पर सिंबल देखेंगे दिस इज योर नेगेटिव एच डिग्री ओके अब देखिए टॉगल कंडीशंस पे हम काम कर रहे हैं ठीक है इस समय जे की वैल्यू कितनी होती है टॉगल के लिए देखिए जे की वैल्यू कितनी होती है एनीवन जे की वैल्यू वन होती है और के की वैल्यू वन होती है ठीक है टॉगलिंग कंडीशन के लिए जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू क्या होती है वन होती है ठीक है सो ये हम क्या कर रहे हैं इसको प्लॉट लॉजिक वन से बना ये है आपका लॉजिक जे की वैल्यू यहाँ पर वन है ए की वैल्यू वन है जे बी की वैल्यू वन है और के बी की वैल्यू वन और क्यू ए को हम जोड़ देते हैं इसके क्लॉक्स फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक्स ठीक है सो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए विल ड्राइव दी क्लॉक और फ्लिप फ्लॉप ठीक है इस तरीके से और ये आपका आउटपुट आ जाएगा क्यू ए और क्यू बी विल बी आउटपुट ऑफ काउंटर काउंटर का ठीक है ए सिंक्रोनस में क्या होता है आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए विल ड्राइव द ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप बी उसके लिए ये क्लॉक प्रोवाइड करेगा ठीक है सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर रिपल काउंटर और ए सिंक्रोनस ठीक है और ये आपका काउंटर है ये क्लॉक दे रहे हैं ये अपना एक्सटर्नल काउंटर सो ये काउंटर ये जो क्लॉक है एक्सटर्नल क्लॉक इज नॉट कनेक्टेड विद फ्लिप फ्लॉप ठीक है चलिए अभी इनका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं तब समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है ये हो गया पूरा
ये जो हमने यहाँ पर क्लॉक पल्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिगरिंग देख रहे हैं, नेगेटिव एच की पॉजिटिव एच ट्रिगरिंग देख रहे हैं, इसको कंसीडर किया हमने नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ये है जीरो और ये वन, और ये है वन और जीरो, तो ये आपको कॉलिंग एज है, सो वी विल कंसीडर नेगेटिव एच ट्रिगरिंग ऑन, इसी को बस हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। अब सबसे पहले हम किसका आउटपुट देखेंगे, QA का आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो QA कब यहां पर आउटपुट देगा, जब ये नेगेटिव ट्रिगर्ड होगा, ठीक है। तो इनिशियली ये पूरा जीरो रहेगा, ठीक है, और ये हाई कब होगा, नेगेटिव ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये हो गया QA का आउटपुट, और ये यहां तक आएगा, ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव डिग्री नहीं आएगा ये लो नहीं, ठीक है। फिर ये लो हुआ, फिर ये हाई, फिर ये नेगेटिव डिग्री मिला, ये होगा जीरो से वन, फिर नेक्स्ट में ये होगा जीरो एंड सेवन, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। हम नेगेटिव एज डिग्री पढ़ रहे हैं, तो जब भी नेगेटिव एज आएगा तब ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये स्टार्ट करेगा, तब ये मिलेगा आपको इसकी वैल्यू वन मिलेगी, ठीक है। ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, और ये इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अब क्यूबी देखते हैं, क्यूबी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब क्यूबी को जो क्लॉक इनपुट है वो कौन दे रहा है, QA, ठीक है। सो इसका भी है हम, और ये क्या है, नेगेटिव ट्रिगर है, तो ये भी हमको इसका नेगेटिव ट्रिगर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका नेगेटिव ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर से तो मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर पॉजिटिव ट्रिगर है, तो जो QB होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो कब तक रहेगा, जब तक उसको नेगेटिव ट्रिगरिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको क्लॉक को नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप बी है वो क्लॉक से इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल क्लॉक से इंडिपेंडेंट है। ये इसको कौन ड्राइव कर रहा है, ये आउटपुट ऑफ QA इज ड्राइविंग दिस क्लॉक, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ट्रिगरिंग मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो QA का नेगेटिव है, जब उसको मिलेगा तब वो वहां पर क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो क्लॉक है वो QA को ट्रिगर करेगा, ठीक है, इसको करेगा। और जैसे ही आप अगर फ्लिप फ्लॉप बी के लिए देखोगे, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ QA, हम कौन सा ट्रिगरिंग पढ़ रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पढ़ रहे हैं, तो QA का जो नेगेटिव ट्रिगरिंग आएगा तब वो जैसे ही मिलेगा ये होगा वन, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर से पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, फिर से ये यहाँ पर नेगेटिव है तो ये जीरो होगा, और एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर ये नेगेटिव होगा तब ये यहाँ पर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, और ये जीरो, ठीक है। तो ये इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम मिला हमको इस एसिंक्रोनस काउंटर का, ठीक है। ये चीज वाला एक बार और बताइए ना, हाँ देखिए ये है क्लॉक, ठीक है। अब ये है आपका फ्लिप फ्लॉप ए, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, ये हमने क्लॉक लगाया और ये क्लॉक के पल्सेस हैं, ठीक है। QA का आउटपुट कब मिलेगा, जब क्लॉक में नेगेटिव ट्रिगरिंग मिलेगा, ठीक है, ये कहलाता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये मैंने क्लॉक बना दिया, और नेगेटिव एज कब होता है, जब वन से जीरो आता है,
वन से जीरो, वन से जीरो एंड वन से जीरो। ठीक है, पॉजिटिव एज क्या होता है? जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन। लीडिंग एज को या राइजिंग एज को हम कहते हैं पॉजिटिव एज डिग्री, और जब ये फॉल होता है फॉलिंग एज को वन से जीरो, वन से जीरो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एज। तो दिस इज नेगेटिव एज। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम ये जो स्टीयरिंग दे रहे हैं वो नेगेटिव एज लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव के लिए भी करके देखेंगे। ठीक है, पहले नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो जैसे ही यहां पर देखो QA की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली हमेशा जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, ये कब क्लियर होगा, कब इसकी वैल्यू वन होगी आउटपुट की वैल्यू? जब ये नेगेटिव टिगरिंग होगा। तो जैसे ही यहां पर नेगेटिव टिगरिंग हुआ, देखो ये जीरो से वन हो गया। ठीक है, फिर ये बड़ा यहां पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव टिगरिंग है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब नेक्स्ट नेगेटिव टिगरिंग आएगा उसकी वैल्यू जीरो से वन होगा, ये टॉगल होगा। जीरो था वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए हम इसको टॉगल जो कंडीशन यूज करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप ही लेते हैं। यहां पर ये क्या हो रहा है, टॉगल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगा वन से ये जीरो हो जाएगा, फिर यहां पर ये फिर से पॉजिटिव है तो ये जीरो ही रहेगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगा फिर ये जीरो का वन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव एज में ये जीरो से वन हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको इनफिनिटली मिलता जाएगा जब तक आप क्लॉक पल्स देते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट किसका, इट इज आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ए का आउटपुट। वैसे ही अब हमको फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी का निकालना होगा, क्यूबी, ये है क्यूबी। ठीक है, तो क्यूबी देखिए, क्यूबी को ड्राइव कौन कर रहा है, क्यूए। ठीक है, अब इट इज नो लॉन्गर कनेक्टेड विथ दिस क्लॉक पल्स। ठीक है, ये इस एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस क्लॉक का कनेक्शन किससे है, QA से कनेक्टेड है। इस B is, the clock of B is driven, is driven by the output of QA. ये है आपका आउटपुट Q होगा। तो अब ये क्या करेगा, QA का जो नेगेटिव एज होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये इस क्लॉक को आप भूल जाइए, अब बस आप किस वाले QA को देखो, क्योंकि QA ही क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है किसको, QB को। ठीक है, और हम कौन सा ट्रिगरिंग देख रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसी को फॉलो करना है हमको। यहां पर ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहां तक जीरो, ये पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज में ट्रिगर नहीं होगा, कब तक वेट करेगा, जब तक नेगेटिव एज नहीं आता। ये नेगेटिव एज मिला, ठीक है, जैसे ही नेगेटिव एज यहां पर होगा वो ट्रिगर होगा और ये जीरो से वन होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू करता रहेगा, यहां पर भी ये क्या है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, तो वो फिर से वन कंटिन्यू होगा। फिर यहां पर इसको मिल रहा है ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो ये क्या करेगा, टॉगल वन से होके टॉगल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वो फिर नेगेटिव ट्रिगरिंग को देखेगा और फिर वो वन होगा एंड सो। ठीक है, तो ये वर्किंग है आपके एसिंक्रोनस काउंटर का। इट डिपेंड्स ऑन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी, डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ QA। ठीक है, अब यहां पर देखो ये है जीरो जीरो, ये है जीरो वन, ये है वन जीरो, ये है वन वन, फिर ये जीरो जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो। ठीक है, इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये क्या होगा, जीरो है, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फिर से जीरो और ये वन। ठीक है, तो कैसे लिखा हमने, क्यूबी और QA को लिख रहे हैं हमेशा। ठीक है, तो जो QA है वो होगा LSB और जो QB होगा वो MSB। ठीक है, तो ये वाला जो होता है जिसमें हम क्लॉक देते हैं वो होता है LSB, और यहां पर राइट मोस्ट जो होगा वो होता है MSB। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
कि जब आप एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ोगे, जहां पर आप क्लॉक पल्स दे रहे हो वो होता है एलएसबी, और जो राइट मोस्ट पे फ्लिप फ्लॉप लगा होता है वो होता है एमएसबी। ठीक है, अब देखो ये क्यों हो रहा है। देखो ये जीरो है, क्यूबिक को लिख रहे हैं पहले क्यूबिक फिर क्यू है। ये क्यूबिक कितना है जीरो, यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर क्यूबिक कितना है जीरो और क्यू ए कितना है वन। ये है वन, ये जीरो, ये है वन और ये वन, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो काउंटर है पहले जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री और फिर वापस ये जीरो एंड सो। ठीक है, तो ये यहां पर कितने बिट को काउंट कर रहा है, ये 2 बिट को काउंट कर रहा है। ठीक है, देखिए वन वन, ठीक है, तो ये इसलिए कहलाता है 2 बिट अप काउंटर। ठीक है, सो दिस इज नोन एज 2 बिट अप काउंटर। अब क्यों, क्योंकि ये जो इसकी काउंटिंग है वो 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, फिर 2 से 3, 3 होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये यहां पर क्या कर रहा है, 3 तक काउंट करेगा, फिर ये रिसेट होगा, फिर 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, अब देखिए जितने यहां पर ये है आपका नेगेटिव या फॉलिंग एज डिग्री है। ठीक है, ये 0 0 पहले में मिल रहा है आपको, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 और ये 1 1। ये है आपका फर्स्ट फॉलिंग एज, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इसका ये होगा 0, ये 1 2 और ये 3, ये डेसिमल है। ठीक है, ये है क्यू ए और ये ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे जब टॉगल जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये वाला 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, और यहां पर देखिए ये 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, सबसे ज्यादा टॉगलिंग हो रहा है वो इसमें हो रहा है क्यू ए, और क्यू बी में इससे कम टॉगलिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए ये पहले हो रहा है 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, यहाँ पर ये 0 है और फिर ये 1, यहाँ पर ये 4 बार टॉगल हुआ और यहाँ पर ये बस 2 बार टॉगल हुआ। ठीक है, तो जहां पर जो सबसे ज्यादा टॉगल होता है उसको हम लेते हैं एलएसबी में, और जो सबसे कम टॉगल होता है उसको हम लेते हैं एमएसबी में। ठीक है, क्योंकि जब आप जब भी कभी ये बाइनरी नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए एलएसबी देखिए कितनी बार टॉगल हो रहा है। ठीक है, ये टोटल 8 बार टॉगल हो रहा है, जो मिडिल वाला है वो 4 बार होता है और जो लास्ट वाला है बस वो 2 बार टॉगल। ठीक है, अगर हम 3 बिट की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम तीन अगर फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो ये क्या होगा, क्यू ए होगा, ये होगा क्यू बी और ये होगा क्यू सी। ठीक है, तभी हम क्या पर वहां पर इसको देखिए, इसको एक बार देखेंगे तो ये 4 बार 0 4 बार 1। ठीक है, ये 2 बार 0 2 बार 1 और 1 बार 0 0 1 0 1, तभी हम यहाँ पर काउंट कर पाएंगे उसको। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख दोगे क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी, तो ये 0 0 1 फिर 1 0 0 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा एंड सो। ठीक है, तो
उसको हटाने के लिए हमेशा अपन क्या लिखेंगे, जो क्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है वो एलएसबी होगा और जो राइट मोस्ट में है वो क्या लाएगा एमएसबी। ठीक है, तो डाउट इसमें अब इसी केस को पढ़ते हैं हम और अब इसको कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री। विद पॉजिटिव डिग्री ये हो गया अब पॉजिटिव डिग्री। ठीक, तब हमको पॉजिटिव डिग्री को यहां पर कंसीडर करना है। ठीक है, ये है पॉजिटिव डिग्री, जीरो से वन, 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 सो। ठीक है, इस केस में हमको पॉजिटिव डिग्री के लिए देना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्यूए को लिखते हैं, ये जीरो क्यूए। ठीक है, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए। ठीक है, आउटपुट है तो यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री मिला तो ये यहां से वन हो जाएगा। ठीक है, यहां नेगेटिव डिग्री है मतलब नहीं, फिर ये पॉजिटिव डिग्री हो रहा है, ये जीरो से वन टॉगल हुआ, अभी वन से जीरो टॉगल होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव ट्रिगरिंग मिला तो ये जीरो से वन होगा, फिर ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग मिला ये फिर टॉगल होगा वन से जीरो। ठीक है, फिर पॉजिटिव ट्रिगरिंग ये क्या होगा। ठीक, तो ये इसके लिए हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, बस इसी को हम यहाँ पर अब बनाते हैं क्यूबी के लिए आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। ठीक है, सो अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमको क्या देखना है क्यूए कब वहां पर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव एच डिग्री के लिए हम यहां पर देखिए ये है पॉजिटिव एच। ओके, तो ये इनिशियली जीरो था, अब स्टार्ट किया हम यहां पर ये हो जाएगा वन। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री हो रहा है। ठीक है, यहां तक जाएगा, यहां पर ये नेगेटिव डिग्री होगा वन ही रहेगा, फिर यहां पर आ रहे तब हो रहा है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ये है वन, ये जो है ये है वन, उसके बाद ये टॉगल हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पर फिर से नेगेटिव डिग्री है, आउटपुट में चेंज नहीं होगा और नेक्स्ट ये पॉजिटिव डिग्री पर रिकवर हो के जीरो से वन।
ठीक है. सो दिस इज आउटपुट ऑफ क्यू बी. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ क्यू ए इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल क्लॉक. क्लॉक पल्स को फॉलो नहीं करेगा. आउटपुट ऑफ क्यू बी विल डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ क्यू ए. उसके लीडिंग एज को ही वो क्या करेगा, फॉलो करेगा वहां पर. ठीक है, तो अब यहां पर देखो शुरू में जीरो था, ये पॉजिटिव एज हुआ, जीरो से वन हुआ, तब ये इसको फॉलो करेगा, ये जीरो से वन टॉगल होगा. ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाएगा. ठीक है, तो यहां तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया क्यूए का, तब ये टॉगल होकर वन से जीरो हो जाएगा. ठीक है, फिर सो ऑन, नेक्स्ट पॉजिटिव आया, ये जीरो से वन. ठीक है, अब आउटपुट हम कैसे लिखते हैं, क्यू बी क्यू ए. ठीक है, क्यू बी यहां पर क्या है, जीरो जीरो है, दोनों जीरो है. यहां पर क्या है, क्यू बी की वैल्यू वन है और क्यू ए की वैल्यू वन है. ठीक है, यहां पर क्यू बी की वैल्यू है वन, यहां जीरो है, इसमें जीरो वन, इसमें जीरो जीरो, इसमें वन वन. ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करोगे तो ये कितना होता है, वन वन, डेसिमल में थ्री थ्री, वन जीरो टू, जीरो वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन वन थ्री. ठीक है, ये कैसा हो रहा है, पहले थ्री आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर जीरो एंड फिर से थ्री. तो इसको कौन सा टू बिट, कौन सा काउंटर हो जाएगा, ये पिछले वाला अप था क्योंकि वो जीरो वन टू थ्री कर रहा था, ये थ्री टू वन जीरो हो रहा है. इस काउंटर को क्या कहेंगे हम, डाउन बिट, नहीं नहीं डाउन काउंटर, टू बिट डाउन काउंटर. ठीक है, Yes, sir. So the where the output is free from the clock pulse. जो output आ रहा है आपका, it is free from clock pulse. And the number of output states of the counter is known as modulus. So number of output state of counter is called modulus or mod, M-O-D. Okay, modulus or mod of the counter. ठीक है, तो यहां पर आपको कितने स्टेट मिल रहे हैं, वन टू थ्री फोर, फोर स्टेट मिल रहे हैं. तो इस काउंटर को कहेंगे हम मॉड फोर डाउन काउंटर. ओके, तो जितने भी स्टेट होते हैं यहां पर, जितने स्टेट हो रहे हैं आपके पास, वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो, जितने भी स्टेट होंगे वो कहलाएगा मॉडुलस उसका. ये हो जाएगा मॉड फोर डाउन काउंटर. ठीक है, तो मॉडुलस क्या बताता है, कितने स्टेट का है, चार स्टेट का है ये. और डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो काउंट कर रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है, थ्री टू वन जीरो. ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा मॉड फोर डाउन काउंटर. और जो पिछला वाला केस है वो कहलाएगा मॉड फोर अप काउंटर. ठीक है, या टू बिट डाउन काउंटर. ठीक है, ये दो बिट को यहां पर मेजर कर रहा है. ठीक है, वन 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 जीरो, जीरो वन या जीरो जीरो. ठीक है, ये टू बिट है, सॉरी टू बिट है, और ये डाउन रिवर्स ऑर्डर में काउंट कर रहा है, थ्री टू वन जीरो. ओके, सो दिस टाइप ऑफ काउंटर इज नोन एज मोड फोर डाउन काउंटर या टू बिट डाउन काउंटर. ठीक है सर. हाँ जी
सर इसको मॉड क्यों बोल रहे हैं? इसका नाम दिया है एक्चुअली, जो स्टेट होंगे नंबर ऑफ स्टेट्स इज नोन एज मॉडुलस और मोड। ठीक है, जो स्टेट होते हैं किसी भी काउंटर के, यहाँ पर चार स्टेट मिल रहे हैं हमको, ठीक है, क्या 0, 1, 2, 3, ये आपके चार स्टेट हैं, ठीक है, ये आपके चार स्टेट हैं, ठीक। और जो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम, मॉड फोर काउंटर। सर हाँ जी सर, पॉजिटिव एज को मॉड फोर डाउन काउंटर बोलते हैं, नेगेटिव को टू बिट डाउन काउंटर? नहीं नहीं अरे वो वाला वहां बताना भूल गया था, उसको भी बोलते हैं मॉड फोर अप काउंटर होगा वो, ठीक है, ये भी टू बिट डाउन काउंटर है या मॉड फोर डाउन काउंटर, ठीक है, इससे पहले वाला जो था वो टू बिट अप काउंटर या मॉड फोर अप काउंटर, वहां लिख लीजिएगा, ठीक है, तो प्रीवियस वाला जो हमने एनालिसिस किया था वो होगा मॉड फोर अप काउंटर, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट, ये जो नंबर ऑफ स्टेट लिखा हमने, ये कैसे आप निकालोगे, ये होगा हमेशा 2 to the power n, ठीक है, जितने आपने फ्लिप फ्लॉप लिए, यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप लिया आपने, ये हो जाएगा 2 to the power 2, दैट इज 4, ये आपको 4 स्टेट मिलेंगे, दिख रहा है आपको 1 1 1 0 0 1 and 0 and so on, ठीक है, 3 2 1 0, तो ये आपके 4 स्टेट्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 यूज किया, नंबर ऑफ स्टेट ये हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर आपको जो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जो काउंट करने पे जो आपको मैक्सिमम काउंट मिलेगा, मैक्सिमम काउंट यहां पर मैक्सिमम काउंट कितना मिल रहा है, 0, 1, 2, 3, 3 आपका मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, 2n to the power n minus 1, तो यहां पर 2 to the power 2 minus 1, ये आपको मिला 3, ठीक है। और अगर आप ये 3 बिट का यूज करोगे तो, 3 बिट यूज करोगे तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे आप, 3 बिट के लिए, हाँ 3, 3 बिट, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, उसके नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे, 8, 8, 2 to the power 3, 8, और उसमें मैक्सिमम काउंट कितना होगा, 7, 2 to the power n minus 1, 2 to the power 3 minus 1, आपको 7 मिलेगा, 0 से लेकर 7 तक वो काउंट करेगा, 3 बिट अप या डाउन काउंटर, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कितना होगा, ये आपको मिल जाएगा, वो कहां से मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे हो, 2 बिट के लिए यूज कर रहे हो तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये n हो जाएगा 2, 3 बिट के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए तो जब जब आपने इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन चुना, ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है, ये यहां से मिला, ये क्यू ए और ये क्यू बी इसका आउटपुट, ठीक है, और ये आपका क्लॉक, ठीक। तो जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आपने यूज किया तब आपको मिला मॉड 4 अप काउंटर या 2 बिट अप काउंटर, ठीक है। तो जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दोगे तब आपको अप काउंटर मिलेगा, ठीक है, और जब आप पॉजिटिव, इसमें उल्टा है, जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दोगे तब आपको क्या मिलेगा, डाउन काउंटर, ये याद रखना, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव में काउंट करवाना है, ठीक है, अप में 0 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यू यूज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग,
इसलिए हम इससे स्टार्ट किए थे। और आपको अगर रिवर्स में उसको काउंट करवाना है 3, 2, 1 एंड 0, देन यू प्रिफर पॉजिटिव एच डिग्री। ठीक है, सर ये मॉड और टू बिट वाला समझ में आ गया, लेकिन हम लोग जो मॉड जो यहाँ पे अप और डाउन ले रहे ना, मतलब मॉड 4 अप और 2 बिट अप, अप और डाउन वाला कांसेप्ट एक बार बताइए ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप इस तरीके वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ठीक है, जब पॉजिटिव एच, तो ये मिल रहा है आपको 1 1, ये मिल रहा है 1 0, ये मिल रहा है 0 1 0 0 1, ठीक है, और ये 0 0, ठीक है। जब आप इसको कैसे लिखोगे, QB और QA को ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये देखो ना, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये है QA, यहां से मिलेगा आपको QB और यहां से मिलेगा QA, ठीक है। ये इसको काउंट करेगा, तो इसको कैसे लिखना है, MSB किसको लेते हैं हम, लेते हैं QB को, ये होता है MSB, और QA को लेते हैं हम LSB लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, ये 1 1 है, ये डेसिमल में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ किया हमने, 0 से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट मिला आपको 3, फिर मिला 2, फिर मिला 1, फिर 0, फिर 3, फिर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, देखिए 3, 2, 1, 0 डिक्रीज हो रही है वैल्यू, जो काउंटर की जो वैल्यू है, 3 के बाद 0 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है एंड सो ऑन। That's why it is known as down counter. ठीक है, तो जो डिस्प्ले आएगा यहां पर पहले आएगा 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिग्री में फिर आएगा इसका डिस्प्ले 2, फिर नेक्स्ट डिस्प्ले पे आएगा 1, फिर नेक्स्ट पे आएगा 0, फिर 3 एंड सो ऑन। ये उल्टे डायरेक्शन में वहां पर क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है, पहले 0, 3, 2, 1, 0 एंड फिर से 3, 2, 1, 0। और जब नेगेटिव एच हमने जब यूज किया था, तब हमको जो आउटपुट मिल रहा था वो इस तरीके का था, 0, 1, 2, 3, फिर 0 एंड सो। तो यहां पर क्या है, जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हमने कहा 2-bit अप काउंटर। ओके सर, अब क्या करते हैं हम, QA से दे दिया, अगर हम QA बार को इनपुट देते हैं, दो कॉम्बिनेशन है, या तो QA को दे सकते हैं या QA बार को आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। अब देखते क्या होता है, ये पॉजिटिव एज है, ठीक है, दिख रहा है ये पॉजिटिव एज डिग्री है, चलिए। अब यहां पर जो क्लॉक पल्स दे रहे हैं हम बी को, वो है क्यू बार है, ठीक है। अब ये जो इसको इनपुट हो गया वो हो गया क्यू बार, ठीक है। अब ये है क्यू ए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, किसका आउटपुट चाहिए, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट लिखना पड़ेगा वो क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा यहां पर, ये 0 है तो क्यू ए बार जो है, ये है क्यू ए बार, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर ये
वन जीरो है तो ये वन हो जाएगा, देन ये जीरो, देन ये वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि जो इनपुट आप दे रहे हो बी को वो है क्यू ए बार, आपके पास ये है क्यू ए और ये इसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्यू ए बार, ठीक है, और ये पॉजिटिव एज डिग्री देख रहे हैं तो अगेन यू विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज को ही हम कंसिडर करेंगे, अब ये QB, यहां पर QB, इसका आउटपुट ये जीरो है, ठीक है, अब ये वन कब होगा जब इसको पॉजिटिव एज मिलेगा, ये यहां पर जीरो से वन हो रहा है, ये नेगेटिव एज है, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट जीरो 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 जाएगा, जैसे ही उसको पॉजिटिव यहां पर मिलेगा डिग्री पॉजिटिव एज, ये टॉगल करेगा जीरो से क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा, ठीक है, फिर इट विल रिमेन वन अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज डिग्री, तो यहां पर नेगेटिव हो रहा है ये वन से जीरो हो रहा है, इट विल कंटिन्यू ये बनी रहेगा, जैसे ही इसको नेक्स्ट पॉजिटिव यहां मिलेगा एज डिग्री इट विल टॉगल टू जीरो एंड सो ऑन, इस टाइप का आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं क्यू बी और क्यू ए, ठीक, ये है जीरो, ठीक, ये मिल रहा है हमको जीरो जीरो, फिर क्यू बी की वैल्यू कितनी है वन, क्यू ए की वैल्यू यहां पर क्या है वन, ठीक, फिर वन और क्यू बी की वैल्यू क्यू ए बार की वैल्यू, QB and QA, ये जीरो है और ये वन, ठीक, ये है वन और ये जीरो, ये है वन और QA की वैल्यू वन, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है जीरो और ये वन, जीरो वन, ठीक है, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, इनिशियली जीरो जीरो, ये जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, सर ये कौन सा काउंटर है, ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, अप, इट इज अप काउंटर, दिस इज मॉड फोर अप काउंटर और 2-bit up counter, ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया, आप बोलिए सर इसमें क्यों एक बार क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो आउटपुट हमेशा हम इसी को लेंगे, MSB लेंगे QB को और LSB लेंगे QA को लेंगे, QA बार को नहीं लेते हैं, ठीक है, जो आउटपुट हमने मान के रखा है वो QA आएगा और QB आएगा बस, ठीक है, इरिस्पेक्टिव आप कोई से भी सिग्नल दो यहाँ पर आउटपुट हमेशा आपको QA मिलेगा और यहां से आपको मिलेगा QB, तो हमेशा अपन इसको इसे लिखेंगे QB QA, QA का जो आउटपुट आ रहा है QB का जो आउटपुट आ रहा है उसको आप लिखोगे और वो उसको क्या करेगा जो बाइनरी नंबर में आ रहा है 2-bit का जो बाइनरी आ रहा है उसको वो कन्वर्ट करेगा किसमें डेसिमल में, ठीक है, तो अगेन यू आर गेटिंग लाइक दिस जीरो then 1, then 2, then again 3, and 0. इस तरीके से आपको ये मिल रहा है, ठीक है? So this is up counter, ठीक है? तो up counter दो तरीके से मिल सकता है, या तो आप negative triggering करो और QA का output clock में दो, या आप क्या करो positive triggering करो और QA के complement को आप दे दो इसके input. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप काउंटर मिलेगा सर. हाँ जी सर, यहाँ पे हम लोग क्यूबी और क्यूए ही ले रहे हैं. हाँ? तो क्यू से क्यूए बार हम लोग क्यों ले रहे हैं और क्यूए बार से हम लोग क्यूबी क्यों निकाल रहे हैं, मतलब क्यूए से निकाल ही रहते हैं हम ऑलरेडी,
फिर उसके कॉम्प्लीमेंट से क्यों निकाल रहे हैं? देखो यहां पर जो ये आपका दो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये क्यू ए है और ये क्यू ए बार है, ठीक है, ये क्यू बी और ये क्यू बी बार है, ठीक। तो पहला कंडीशन ये कि सर, आपने इसमें एमएसबी और एलएसबी कौन कौन सा लिए हैं ये समझ में नहीं आया। देखो हमेशा जो जिस पे आपने लॉक दिया हो, एक्सटर्नल लॉक दिया है वो होता है एलएसबी, ठीक है, और जो राइट मोस्ट जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो होगा हमारा एमएसबी हमेशा, ठीक है। तो देखो ये क्यूबी ये हमारा राइट मोस्ट है इसलिए ये देखिए ये एमएसबी है, और क्यूए जो ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है वो होगा आपका एलएसबी, ये हमेशा याद रखना, ये होगा एमएसबी। सर फिर ये क्यू ए बार आपने क्यों लिया टाइमिंग डायग्राम में? अब बता रहा हूं मैं, वही आ रहा हूं मैं, देखो तो यहां पर चार कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो पहला कंडीशन जो हमने लिया वो क्या लिया, नेगेटिव डिग्री, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है ये नेगेटिव डिग्री हो रहा है, ठीक, जो क्यू ए है वो क्यू बी के लिए इनपुट हो रहा है नेगेटिव डिग्री, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया, पॉजिटिव डिग्री के लिए लिया, ठीक है, तो जब नेगेटिव डिग्री लिया तो आपको मिला अप काउंटर, और जब पॉजिटिव डिग्री लिया आपको मिला डाउन काउंटर। तो अब यहां पर एक और पॉसिबल कंडीशन है कि आप यहां क्यूए से ना देके क्यूए बार से दे दीजिए इनपुट, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो क्यूए को डायरेक्ट जोड़ो और या क्यूए बार को भी वहां से जोड़ सकते हो, वो भी तो इनपुट देगा ना उसको, ये चार कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तब भी वो काम कर रहा है और आपको ये क्या दे रहा है, ये अप काउंटर दे रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव टिकरिंग के लिए क्यूए बार को जब हमने दिया तो ये अप काउंटर जैसा काम कर रहा है ऐसा। तो टोटल चार कॉम्बिनेशन लेंगे हम, ठीक है, दो नेगेटिव टिकरिंग के लिए और दो पॉजिटिव टिकरिंग के लिए, जब दो पॉजिटिव नेगेटिव दो पॉजिटिव एस टिगरिंग के लिए लेंगे तो एक बार क्यूए से इनपुट देंगे और एक बार क्यूए बार से, जब नेगेटिव एस टिगरिंग लेंगे एक बार क्यूए से देंगे एक बार क्यूए बार से देंगे, तो आपको दो काउंटर्स मिलेंगे, दो बार अप काउंटर मिलेगा और दो बार डाउन काउंटर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है लास्ट वो ये है कि क्यूए से ही देते हैं लेकिन अब जो देंगे वो टिकर देंगे नेगेटिव। नाउ वी विल यूज नेगेटिव टिगरिंग, ठीक सो अब पॉजिटिव हटा दो, नेगेटिव स्टिकरिंग देखेंगे, नेगेटिव सो वी आर सीइंग द फोर्थ केस when the clock of flip flop B is driven by QA bar, what will happen? Okay, so पहला condition देखा हमने जब negative triggering था but the clock is driven by QA, ठीक है। दूसरा केस देखें ये positive triggering और QA से drive कर रहे हैं, तीसरा केस ये positive था और QA bar से trigger कर रहे थे, अब चौथा केस ये negative triggering है और QA bar से हम क्या कर रहे हैं उसको trigger कर रहे हैं, ठीक है।
सो वी विल कंसिडर ओनली नेगेटिव पीवी, ठीक है। ये क्लॉक पल्स हम किसको दे रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप ए को दे रहे हैं, नेगेटिव टिकरिंग दे रहे हो आप, नेगेटिव एज टिकरिंग दे रहे हो, तो ये क्यू ए टॉवल कब होगा, जब ये नेगेटिव एज में मिलेगा, तो ये आपका क्यू ए, और जैसे ही नेगेटिव एज मिलेगा ये जीरो था इनिशियली, ये हो जाएगा वन, ठीक है। फिर ये कब तक वेट करेगा, जब तक इसको नेगेटिव नेक्स्ट नेगेटिव टिकरिंग नहीं मिलेगा नेगेटिव एज, तो फिर ये वन था, ये टॉवल होके क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये पॉजिटिव एज है, फिर नेक्स्ट बिना नेगेटिव ये हो जाएगा जीरो, और टॉवल होके क्या हो जाएगा वन, फिर ये नीचे नीचे ये हो जाएगा जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग नेगेटिव एज डिग्री, तो जब भी नेगेटिव एज मिलेगा उसको तभी वो वहां पर टॉवल करेगा, यहाँ नेगेटिव एज मिला जीरो से वन, यहाँ पर नेगेटिव एज मिला वन से जीरो, यहाँ नेगेटिव एज मिला जीरो से वन, ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव एज मिला वन से जीरो, ठीक है। ये है क्यूए के लिए, ये है क्यूए का आउटपुट जब आप यहाँ पर ये नेगेटिव एज डिग्री प्रोवाइड कर देते, ठीक। अब यहाँ पर जो बी का जो क्लॉक है वो क्यूए बार से मिला हुआ है, ठीक है, सो इसका जो इनपुट है वो क्यूए बार है, ठीक है, तो क्यूए बार, ये क्यूए है, ये जीरो है, तो ये हो जाएगा वन, QA बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा वन, फिर ये वन है तो ये हो जाएगा जीरो, फिर ये जीरो है तो ये हो जाएगा, सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ QA, देन वी हैव टू ड्रॉ द काउंट आउटपुट ऑफ क्यू बी, ठीक है, क्यू बी जीरो है इनिशियली, ठीक है। अब हमको नेगेटिव एज के लिए कर रहे हैं, ये नेगेटिव एज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एज, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एज, फॉलिंग एज को नेगेटिव एज कहते हैं, जब ये वन से जीरो हो रहा है, वन से जीरो, वन से जीरो, so it will follow QA bar only, ठीक है, clock और QA पे depend नहीं करेगा, क्योंकि जो QB का input है वो आपको मिल रहा है QA bar से मिल रहा है, ये तो जो QA का output होगा वो उस पे depend करेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ पर zero रह के, जैसे ही इसको negative edge मिलेगा, ये initially zero था, ये हो जाएगा one, ठीक है, ये positive edge है, फिर यहां पर आपको नेगेटिव एज मिल रहा है, ये टॉगल करेगा वन से जीरो हो गया, फिर ये पॉजिटिव एज है, नो चेंज, फिर नेगेटिव एज मिल रहा है इसको, ये टॉगल होके क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आउटपुट हम कैसे लिखते हैं, हमेशा QB एंड QA, वेयर QB इज MSB एंड QA इज LSB, ठीक है, तो यहां पर QB कितना है, जीरो है, QA की वैल्यू जीरो है, ये जीरो, यहाँ QB की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर कितना है 1, QA की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर ये 1 है QB की वैल्यू और QA की वैल्यू 0, फिर यहाँ पर ये 0 है और ये 1, यहाँ पर 0 0 0 0 और ये 1 1, तो इसको लिख लीजिए, ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 0 और ये 3 और ये 0, तो कौन सा काउंटर मिल रहा है आपको, डाउन काउंटर, डाउन काउंटर, 4 बिट डाउन काउंटर, ठीक है। तो अगेन अब ये चेंज हो जाएगा, ये है 3, ये है 2, ये है 1 और ये 0, सो दिस इज डाउन काउंटर, ओके, सो दिस विल बी मॉड 4, चार स्टेज है करके 3210, इसलिए mod 4 या modulus 4, and it is starting from 3210, so this will be down counter. And it is counting 2 bits or 2 bit down counter. Okay. So let's summarize this.
So we are using two count two JK flip flop. You can use T flip flop also. ठीक है? तो हमने start किया पहले negative triggering से. ठीक है? ये है QA. QA is driving the clock of Q. ठीक है? पहला ये. फिर दूसरा ये है पॉजिटिव एज, ये है क्यू, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एज डिग्री, ये नेगेटिव एज डिग्री, और ये है पॉजिटिव एज डिग्री. ये आपका फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस हमने लिया पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में ही. क्यू ए को हमने क्लॉक पल्स पे दे दिया, ये क्यू है और ये क्यू, और लास्ट वाला जो था फिर से नेगेटिव डिग्री का है. तो इनपुट दिया वो हमने क्यू ए के. ये आपको आउटपुट क्यू बी क्यू के, ये हमारा आउटपुट. ये हमने ये चार कंडीशंस पढ़े, ठीक है, ये ऊपर के दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये थ्री और ये फोर, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, जो फ्लिप फ्लॉप बी का जो क्लॉक है वो क्यू ए और QA ड्राइव कर रहा है, यहाँ पर QA कॉम्प्लीमेंट और QA कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो ये टोटल हमने चार कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा यहाँ पर, ठीक. तो जब नेगेटिव एज आपने लिया तो ये कहलाता है अप काउंटर, दो बिट को ये काउंट कर रहा है, तो ये दो बिट अप काउंटर, ठीक है, या मॉड फोर अप काउंटर, ठीक है. जब आपने नेगेटिव एज दिया तो ये हो गया टू बिट, सॉरी पॉजिटिव एज दिया तो टू बिट डाउन काउंटर या मॉड फोर, फोर का ये स्टेट बता रहा है, टू बिट मतलब टू बिट को मेजर कर रहा है डाउन काउंटर, ठीक है. फिर जब आपने Q बार से यहां पर इनपुट दिया था, ठीक है, पॉजिटिव एज को, तो फिर से आपको मिला टू बिट अप काउंटर या मॉड फोर अप काउंटर. जब आपने Q बार दिया नेगेटिव एज को, ये Q बार और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है. पॉजिटिव में आपको क्या मिलता है, टू बिट डाउन काउंटर और मॉड फोर डाउन काउंटर, ठीक है. तो अप काउंटर किसको कहते हैं, जो पहले जीरो में जीरो काउंट करता है, फिर वन को, फिर टू को, फिर थ्री को, इस तरीके से. ये है आपका अप, और डाउन काउंटर क्या है, थ्री फिर टू फिर वन फिर जीरो,
ये है आपका डाउन फॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार बिट को तीन दो बिट को मेजर करता है, तो यहाँ पर चार पल्स को इसने So this is the summary what we have studied today. ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव एच ट्रिगरिंग यूज करोगे और QA को QB में दोगे, ठीक है, तब आपको अप काउंटर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप पॉजिटिव एच ट्रिगरिंग ले रहे हो और QA को इनपुट दे रहे हो, QA बार को सॉरी, तब आपको क्या मिलेगा, ये अप, ठीक है। डाउन कब मिलेगा, जब आप पॉजिटिव एच ट्रिगरिंग लोगे और जब आप नेगेटिव एच ट्रिगरिंग लोगे और QA बार को इनपुट दोगे, ठीक है। Is doubt? So, ये हमेशा टॉगल कंडीशन में ही ऑलवेज यूज इन टॉगल मोड, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप को भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर मैं तीन फ्लिप फ्लॉप यूज करूं, ये है फ्लिप फ्लॉप ए, ये है फ्लिप फ्लॉप बी और ये फ्लिप फ्लॉप सी। इससे हम नेगेटिव एच ट्रिगरिंग देखेंगे, QA का आउटपुट क्यू जो बी फ्लिप फ्लॉप है उसका क्लॉक होगा और ये क्लॉक एक्सटेंड, ये क्लॉक इससे नहीं जुड़ा हुआ है QB एंड QC से, ये जे ए ये हो जाएगा एक बार, ये जे बी और ये ए बी, जे सी ए सी टू सी बार, ये हमेशा टॉगलिंग मोड पे यूज करते हैं हम इसको। ये है लॉजिक वन, जे वन के वन जे ए वन के बी वन जे सी वन और ए सी वन, ठीक है। और जो फ्लिप फ्लॉप सी है उसका क्लॉक होगा क्यू ए का क्यू बी का, ठीक है। आपको यहाँ पर तीन आउटपुट मिलेंगे, आउटपुट ठीक है।
अब मुझे बताइए एमएसबी किसको लेंगे और एलएसबी किसको लेंगे? सर सी वाला एमएसबी होगा, सी वाला एमएसबी, वेरी गुड। और एलएसबी होता है एलएसबी, तो आउटपुट हम कैसे लिखेंगे? क्यूसी क्यूबी एंड क्यूए, दिस विल बी योर एमएसबी एंड क्यूए विल बी एलएसबी, ठीक है। अब यहां पर कितने स्टेट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स? फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, ठीक है, तो ये होगा 2 टू द पावर 3, 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो ये होगा 8 नंबर ऑफ स्टेट्स, 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम आउटपुट देख लेते हैं, तो पहला ब्लॉक एंड वी आर यूजिंग नेगेटिव एज फिगरिंग, सो वी हैव टू फॉलो ओनली पॉलिंग एजेस, ओके, सो दिस विल बी द पॉलिंग एजेस। ये वाला क्लॉक जो ये पल्स दे रहे हैं, सबसे पहले यूज करेंगे एलएसबी को क्यूए, ठीक है। ये क्लॉक किसको दे रहे हैं हम? फ्लिप फ्लॉप ए को, ठीक है। बी का जो क्लॉक है वो क्यूए है और सी का जो इनपुट है वो क्यूबी, तो पहले क्यूए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यूए कब ऑन होगा, कब टॉगल करेंगे? इनिशियली ये जीरो है, ये क्यूए है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ये जीरो था, टॉगल होके ये वन होगा, इट विल वेट अंटिल अप टू नेगेटिव, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव ये हो जाएगा वन, फिर ये नेगेटिव ये जीरो, फिर ये नेगेटिव ये वन, फिर ये वन से जीरो, फिर नेगेटिव वन, फिर नेगेटिव जीरो, और ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यू ए का आउटपुट, ये क्यू ए की आउटपुट, ये आपको ऐसा मिलेगा इस पर्टिकुलर क्लॉक के लिए, ठीक है। हमने कौन सा टिगरिंग यूज कर रहे हैं? नेगेटिव एज टिगरिंग का, ठीक है। तो कोई भी ठीक है, so we are using negative edge triggering, तो हर वेव का एक लीडिंग एज होता है और एक फॉलिंग एज, लीडिंग एज फॉलिंग एज, लीडिंग एज फॉलिंग एज, सो वी हैव टू फॉलो हियर योर फॉलिंग एज ओनली, नेगेटिव एजेस ओनली, तो ये नेगेटिव एजेस हैं, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव एज आएगा, QA की वैल्यू वहां पर टॉगल करेगी, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव एज मिला वन हुआ, ये नेगेटिव एज मिला जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, एंड सो ऑन व्हेनेवर नेगेटिव एज, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्यूबी के लिए, ठीक है, ये है क्यूबी के लिए, फिर फ्लॉप बी के लिए, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्यूए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्यूए, क्यूए का नेगेटिव एज को ये फॉलो करें,
2A के नेगेटिव एज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्लॉक से कोई मतलब नहीं है, इसको ये है QA, ये इसका पॉजिटिव एज है तो रिस्पांस में कोई चेंज नहीं होगा, और फिर जैसे ही इसका नेगेटिव एज मिलेगा QA का, ये हो जाएगा टॉगल 0 से 1, इट इज QB, ठीक है। और ये 0 से 1 हो गया, इट विल कंटिन्यू फिर से पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही दूसरा नेगेटिव मिलेगा ये टॉगल होके 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट यहां तक नेगेटिव होगा, फिर ये 1 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब कंसीडरिंग द फ्लिप फ्लॉप सी, सी विल फॉलो द आउटपुट ऑफ क्यूबी, सी जो है वो क्यूबी के आउटपुट को फॉलो करेगा। ये है पॉजिटिव एज, ये नेगेटिव एज इसका, और नेक्स्ट नेगेटिव एज यहां पर, ठीक है। तो जो QC है 0 से स्टार्ट होगा, यहां पर इट विल फॉलो क्यूबी क्योंकि इसका इनपुट क्यूबी है, तो यहां पर एक पॉजिटिव एज है कुछ नहीं, तो ये 0, ये 0 0 जस्ट नेक्स्ट आपको ये नेगेटिव एज मिलेगा, तब ये टॉगल होगा ये 0 से, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव एज मिलता है, तो इस तरीके का ठीक है। तो ये है इसका टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा है जब हम बाइनरी में लिखते हैं, तो जो है हमारा एलएसबी होता है 4-0 होता है, फिर 4-1, ठीक है, फिर 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, और नेक्स्ट एलएसबी 0-1, 0-1, 0-1, 0-1 एंड सो, ठीक है। तो फिर से एमएसबी हम किसको ले रहे हैं, क्यूसी को, ये हो जाएगा क्यूसी क्यूबी एंड क्यूए, ठीक है। तो क्यूसी कितना है 0, क्यूबी है 0 और क्यूए है 0, यहाँ पर QC 0 है, यहाँ पर QB 0 है, QA 1, यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 0, फिर ये 0, 1, 1, फिर 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। So, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगेन 0, सो विच टाइप ऑफ काउंटर इट इज, डाउन की अप काउंटर, अप काउंटर, ठीक है। अब ये कितने बिट को मेजर कर रहा है, 3 बिट को, तो ये क्या लाएगा 3 बिट अप काउंटर, ठीक है। और मॉडुलस मॉड, यहां पर कितने स्टेट हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो दिस विल बी मॉड 8 अप काउंटर, ठीक है। यस सर, सो हमेशा ये एमएसबी होगा, ये एलएसबी होगा, ठीक है। जैसे 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, सो फर्स्ट नेगेटिव डिग्री में आपको क्या मिला 0, 0, 0, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट नेगेटिव डिग्री, फिर सेकंड में आपको मिला 0, 0, 1, थर्ड में 0, 1, 0, फिर सो ऑन, ये नेगेटिव डिग्री बताता है 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मिला डेसिमल में, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो जो मैक्सिमम काउंट है, मैक्सिमम काउंट मैंने बताया आपको, ये हमेशा होता है 2 to the power n-1, ठीक है, 2 to the power 3-1 is equal to 7, तो
ये मैक्सिमम काउंट कितना कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू 7 तक, ठीक है। तो ये 3 बिट अप काउंटर है, अप इसलिए क्योंकि ये 1 2 3 फिर डाउन काउंटर कैसे करेगा, 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। वो बता चुका हूं मैं कैसे, अगर इसको अगर आप पॉजिटिव टिकरिंग कर दोगे तो ये डाउन काउंटर हो जाएगा, ठीक है, और अगर इस क्यूए बार को यहाँ पर जोड़ दोगे तब भी डाउन काउंटर हो जाएगा, और पॉजिटिव टिकरिंग में क्यूए बार दोगे तो वो अप काउंटर जैसा काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज 3 बिट अप काउंटर, 3 बिट क्योंकि यहाँ पर 3 बिट जितने बिट आपको मेजर करने हैं वो काउंट करने हैं उसके लिए आप उसके फ्लिप फ्लॉप लगाओगे, और जो नंबर ऑफ स्टेट्स मिलेंगे वो आपको हमेशा 2 to the power n होगा। तो यहाँ पर n कितना है, 3, तो आपको 8 स्टेट मिलेंगे 0 से लेकर 7 तक। मैक्सिमम काउंट कितना होगा, 2 to the power n minus 1, दैट इज 7। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। यस सर। अब इसमें अगर टाइम भी देख लेते हैं, देखो ये है अप और ये डाउन टाइम, ठीक है, एक साइकिल का ये कितना ले रहा है, टी ले रहा है, ठीक है, ये 0, ठीक, और ये 0 1 ये ले रहा है कितना टाइम ले रहा है, 2 टी ले रहा है, ठीक है, और ये 0 1 ये ले रहा है आपका 4 टी, ठीक है, और ये पूरा कितना ले रहा है, 8 टी, ठीक है। तो अगर आप क्लॉक का जो टाइम पीरियड वो मान ले टी, तो जो क्यूए का आउटपुट है वो 2 टी है, और क्यूबी का आउटपुट है 4 टी, और जो क्यूसी का आउटपुट है वो है 8 टी, और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ रहेगा, ये एफ अपॉन 2, ये एफ अपॉन 4, और ये हो जाएगा एफ अपॉन 8, ठीक है, और एफ अपॉन 8 ये हो जाएगा f upon 8, sorry 4, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f upon 2 और इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 8 काउंटर भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको f upon 8 मिल रहा है, डिवाइड बाय 8 काउंटर, ठीक है। 3 बिट 3 बिट को काउंट करता है, मॉड 8, मॉड मतलब स्टेट होता है, state of counter, there are 8 counter, up means it is counting in increasing order, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on, ठीक है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा टॉगल करता है, ये सबसे ज्यादा टॉगल कर रहा है इसलिए ये MSB, ठीक है, और ये सबसे कम टॉगल कर रहा है ये आपका MSB, ठीक है। कोई डाउट? सर ये एग्जाम में किस टाइप से लिखेंगे इसको? एग्जाम में इसका वर्किंग पूछेगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 3 बिट अप काउंटर या मॉड 8 अप काउंटर, ठीक है, और एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, लिपर काउंटर क्यों कहते हैं, या सिंक्रोनस और काउंटर के बीच में कितने टाइप के काउंटर्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर, मैं क्वेश्चन पेपर दिया हूँ ना उसमें एक बार देख लेना तो आइडिया मिल जाएगा आपको।